हे गाइस, बात करने वाले हैं इस वीडियो में हम सुमुल तौकीर और फहमान खान के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा, ये जोड़ी ऑलरेडी सुपर डुपर हिट है और इस जोड़ी को लोग रियल में बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, यानी रियल लाइफ में दोनों को एक साथ देखना चाहते हैं, एक दूसरे के होते हुए देखना चाहते हैं। पर बीते कुछ टाइम से आप लोगों को इनकी न्यूज़ तो मिल ही रही होगी, लगातार दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कुछ ना बात को लेकर अनबन हुई है, जिस वजह से वो बात नहीं देखी जा पा रही है जो कि इमली और आर्यन के टाइम पर देखी जा रही थी। लेकिन अगर बावजूद उसके बात करी जाए तो एंटरटेनमेंट के राज शो में दोनों ने जब शिरकत करी थी तो वाकई में बहुत ही ज़्यादा दोनों एक दूसरे के साथ ठीक वैसे ही फ्रेंडशिप के साथ नज़र आए जो कि पहले नज़र आया करते थे। और ये उनकी लड़ाई नोक झोंक के बाद की बात है एंटरटेनमेंट की रात में, जब ये दोनों एक साथ नज़र आए थे। तो ऐसे में ये बात बोली जा सकती है कि दोनों अपने प्रोफेशन पर इन सब बातों का असर नहीं लाने वाले हैं। तो यही वजह है कि फैंस की ये डिमांड जो है वो लगातार चल रही है कि दोनों को एक साथ बहुत ही जल्दी एक न्यू प्रोजेक्ट में आना ही चाहिए। आपको बता दें, धर्मपत्नी शो में नज़र आ रहे हैं फहमान खान, जिसको लेकर खबर सामने आ रही थी बीते कुछ टाइम से कि ये शो ऑफेयर जाने वाला है, एकता कपूर शो को ऑफेयर करने वाली हैं। लेकिन अब उस शो को एक्सटेंशन मिल चुकी हैं कुछ टाइम के लिए, तो ऐसे में अब ये शो अभी इतनी जल्दी तो ऑफेयर नहीं जाने वाला है, यानी कुछ टाइम के लिए ऑन एयर है और आपको एंटरटेन करेगा। लेकिन बात करें जब ये शो ऑफेयर जाएगा, वहीं बात करें सुमुल तौकीर के बारे में, तो उनके पास न्यू प्रोजेक्ट का ऑफर गया हुआ है जो कि सोनी टीवी का शो होने वाला है, जहाँ पर ये एक ऑफिसर से रिलेटेड कहानी होने वाली है। तो देखने वाली बात होगी कि सुमुल तौकीर इस शो के लिए फिट होती हैं या फिर वो इस शो को करना चाहेंगी, इस शो को साइन करेंगी या फिर नहीं। तो अगर वो इस शो को साइन करती हैं तो फिर उनके अपोजिट कौन नज़र आएगा इस शो के अंदर, ये देखने वाली बात होगी। फहमान खान को लेकर फैंस एक्साइटेड हैं बहुत ज़्यादा, यानी सुमुल और फहमान को एक साथ देखना चाहते हैं। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि दोनों एक साथ नज़र आएंगे या फिर दोनों की जोड़ी अलग अलग तरीके से ही बनेगी। वैसे तो ये जोड़ी ऑलरेडी हिट है, अगर इस जोड़ी को कास्ट किया जाता है मेकर्स की तरफ से तो वाकई में शो की टीआरपी बहुत ज़्यादा हाईएस्ट आने वाली है। यहाँ पर दोनों आईएएस ऑफिसर की कहानी होने वाली है कुछ। सो ये सब आपको शो के स्टोरी में देखने को मिलेगा। देखते हैं कि कौन फाइनल होता है। क्या कुछ आपका इन सब बातों पर कहना है कमेंट करके एक सेगमेंट जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक शेयर करना ना भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।